भारतीय जनता पार्टी ने गर्मी में पशुपालकों के लिए हो रहे चारे की समस्या के लिए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चारे के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार चारे के भावों को नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि चारे की समस्या के कारण पशुपालक अपने पशुओं को सस्ते भाव में बेचने को मजबूर हैं। राजस्थान के पशुपालक दुखी है, परेशान है, और परेशानी का कारण यह है कि चारे के भाव आसमान छूने लगे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार चारे के भावों को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही, और किसान इस हालात तक पहुंच चुके हैं कि अब अपने पशुओं को औने पौने दामों के अंदर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा चारा खिला के और वो उनकी आजीविका का आधार नहीं बन सकता। इसलिए किसान परेशानियों को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को कोई आवश्यक कदम उठाने चाहिए और इस चारे के भावों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि आसानी से उनको चारा उपलब्ध हो सके और वो अपने पशुओं को बचाने का काम कर सके। नहीं तो आने वाले समय के अंदर किसानों की हालत और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी।